नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो इस अवसर पर मैं आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। प्रत्येक वर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इस बार 7 मई गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख की पूर्णिमा को हुआ था। इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दिन भी वैशाख माह का पूर्णिमा तिथि था और इन्होंने वैशाख की पूर्णिमा को ही निर्वाण प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों एक ही दिन अर्थात वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध पूर्णिमा दिवस भगवान बुद्ध की बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इस दिन को सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग ही नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी मनाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख की पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध के रूप में जन्म हुआ। इस दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा के तौर पर भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने सुदामा को सत्य विनायक व्रत का विधान बताया था। सुदामा ने इस व्रत को विधिवत किया और उनकी गरीबी नष्ट हो गई। इस दिन दान पुण्य और धर्म कर्म के अनेकों कार्य किए जाते हैं। इस दिन मिष्ठान, सत्तू, जल पात्र, वस्त्र दान करने और पितरों का तर्पण करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है।